लेट्स सी कि कैसा दोस्तों ये टीम डेथ मैच मोड काफी कुछ कॉल ऑफ ड्यूटी वाली याद आ गई है या फिर काउंटर स्ट्राइक वाली याद आ गई है टू बी ऑनेस्ट तो गाइस इस गेम में जो मुझे सबसे ज्यादा खास बात लगी है वो लगी है और ये क्या है गौरव चाट भंडार गौरव पानी पतासे शादियों पार्टियों में ऑर्डर बुक किए जाते हैं गाइस जब यूट्यूब पर आप बड़े क्रिएटर बन जाते हो तो काफ़ी लोग आप पर भरोसा करते हैं और आपकी वीडियोस देखकर जैसा आप कहते हैं वीडियोस में वो वैसा ही करते हैं। तो गाइस टेक्निकल गुरुजी ने जो है वीडियोस बनाया था जो 4G का एक न्यू वर्जन आया है अलग से उन्होंने गेम लॉन्च किया है एनकोर कंपनी ने, इसमें उन्होंने टीम डेथ मैच रखा है। तो गाइस यहाँ पर जो गुरुजी ने जो इसके ऊपर वीडियोस बनाई है तो उसमें उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इसका हाइप बना दिया। वैसे तो पहले से ही हाइप चल रहा था कि 21 जून को जो है ये गेम लॉन्च होने वाला है और इसको जो है थोड़ा सा डिले लॉन्च किया गया है, काफ़ी टाइम लग गया था तो ये अभी लॉन्च हुआ है 2 दिन पहले। तो गाइस मैंने इसको इंस्टॉल किया था, इसका गेम प्ले देखने के बाद में मुझे जो है एक गिल्टी सा फील हुआ क्योंकि ये एक इंडियन गेम है और जो कंपनी के डेवलपर हैं वो लोग जो है ज़्यादा इसमें उन्होंने मेहनत नहीं की है। इस गेम को प्ले करने के बाद में मुझे बस एक ही एड याद आ रहा है। अब देश का हर बच्चा कोडिंग सीखेगा, एप्स बनाएगा और दुनिया बदलेगा। बुक अ फ्री कोडिंग क्लास ऑन whitehatjunior.com। क्या बढ़िया था गुरु। वैसे गाइस अगर बात की जाए तो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं और इससे भी बेहतरीन जो है गेम बना सकते हैं, बट गाइस यहाँ पर जो इनके डेवलपर हैं मुझे लगता है कि इन्होंने बिल्कुल कोशिश नहीं की है। इतना लंबा टाइम लिया है इन्होंने इस गेम को दोबारा से रिलॉन्च करने के लिए और इन्होंने अभी इसका जो है अर्ली एक्सेस दिया जो लिमिटेड लोगों को मिला है। तो गाइस लिमिटेड लोगों में से मैंने भी इसको इंस्टॉल किया था और इसको प्ले करके देखा तो गाइस मुझे कोई भी ऐसा फील नहीं आया कि ये एक बैटल ग्राउंड गेम्स है बड़ा गेम्स है जो कि पबजी को या फिर कह सकते हैं कि कॉल ऑफ ड्यूटी को टक्कर दे सकता है। तो यहाँ पर जो टेक्निकल गुरुजी ने इसकी इतनी तारीफ की है कि इसको कंपेयर कर दिया है कॉल ऑफ ड्यूटी से। तो गाइस अगर मैं आपको बताऊं इसका जो गेम प्ले है इसमें आप देखते हैं तो यहाँ पर बस जो इन्होंने इंडियन शॉप या फिर जो इंडिया का बाज़ार है वो इन्होंने इंक्लूड कर दिया है। तो गाइस वो तो यहाँ पर जो है काफ़ी अच्छा लगता है देखने में, लेकिन गाइस अगर आप करेक्टर की बात करें तो यहाँ पर आपको जो करेक्टर हैं वो एकदम कार्टून जैसे ही देखने को मिलते हैं। इसमें जो अगर आप किसी बंदे को जो सामने वाले को किल करते हैं तो वो बंदा आपसे इतना हाई खेल रहा है कि आपको ऐसा लगेगा कि आप एक नहीं आप 50 बंदों से एक साथ खेल रहे हैं। तो गाइस इतना ज़्यादा हाई कर दिया है आपको पता भी नहीं चलता है और आप किल कर दिए जाते हैं। गाइस इस बात के लिए गेम वालों की तारीफ करनी होगी कि इन्होंने अपने जो है इंडिया के बाज़ार को इंडिया की शॉप्स को इन्होंने इसमें इंक्लूड किया है और काफ़ी ज़्यादा जो है इंडिया जैसी फीलिंग आ रही है। बट गाइस इन्होंने थोड़ा सा इस गेम पर और टाइम लेना चाहिए था और गाइस कोई एक ऐसा गेम हमारे लिए लेकर आना था जो जिसे हम कुछ टाइम के लिए खेल सकते हैं। तो गाइस लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ अगर आप इस गेम को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करते हैं तो आप इसको 2 से 3 दिन से ज़्यादा 2 दिन खेलेंगे आप इस गेम को और तीसरे दिन इसको अनइंस्टॉल कर देंगे और प्रेफर करेंगे बैटल ग्राउंड मोबाइल को या फिर पबजी को या फिर जो गेम है कॉल ऑफ ड्यूटी आप उसको खेलेंगे या फिर फ्री फायर है काफ़ी अच्छा गेम है आप उसको खेलेंगे। तो गाइस यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इस गेम से खुश हुआ है वो एक अकेला ही बंदा है और वो है आप समझ सकते हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पर सिर्फ गौरव चाट भंडार या गौरव गोलगप्पे वाला इस तरीके से नाम लेने से गेम जो है अच्छा नहीं हो जाता है। तो गाइस गौरव नाम से तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ क्या ही कहूँ मैं इसके बारे में। समझ रहे हो ना जो इतना पॉपुलर बंदा है टैग के मामले में सबसे नंबर वन चैनल है इंडिया का तो वो इस तरह की तारीफों वाली वीडियोस सिर्फ तारीफ ही तारीफ। जब किसी भी चीज़ का हम रिव्यू करते हैं तो उसके प्लस पॉइंट भी बताने होते हैं और माइनस पॉइंट भी बताने होते हैं क्योंकि करीब 2 करोड़ लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं तो उनमें से ज़्यादा भी नहीं तो 10 लाख लोग उस वीडियो को देखकर उनको इंस्टॉल करेंगे या फिर उनके जो प्रोडक्ट हैं उनको बाय करेंगे और गाइस उनके बाद में उन्हें उसमें जो है कुछ कमियां देखने को मिल जाएंगी तो उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। तो गाइस इसलिए इस बात को पूरा बता देना चाहिए, उसके प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट दोनों बताने चाहिए। मुझे लगा था कि मुझे जो है इससे रिलेटेड जो है वीडियोस बनानी चाहिए तो मैंने वीडियो बना दिया है, बाकी आप लोगों का क्या ओपिनियन है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताएं। तो गाइस मैंने भी जो है टेक्निकल गुरुजी को सब्सक्राइब कर रखा है, मैं वीडियोस देखता हूं डेली और काफ़ी और भी चैनल हैं टेक्निकल गुरुज ने जो है बेस्ट वीडियो बनाया था, उनका वीडियो मुझे सही लगा था क्योंकि उन्होंने इसकी जो भी कमियाँ थी वो सारी गिना दी थी। एंड गाइस अगर आपने अभी तक 4G गेम को नहीं खेला है तो आप इसको खेल सकते हैं, मैं इसका लिंक तो अपने डिस्क्रिप्शन नहीं देने वाला क्योंकि मुझे ये गेम बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और मैं किसी को प्रेफर नहीं करूँगा कि इस गेम को खेले जब तक ये गेम पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाता है। तो गाइस आपको अपने गूगल क्रोम में जाना है या फिर गूगल पे जाना है, वहाँ पर आप सर्च करेंगे 4G APK एंड OBP फाइल तो आपको ये गेम मिल जाएगा जो आपका इसका अर्ली एक्सेस आया है, इसका नाम है 4G टीम डेथ मैच।
तो आप इस तरीके से सर्च करेंगे तो आपको ये गेम मिल जाएगा, आप इंस्टॉल कर सकते हैं, उसको प्ले कर सकते हैं। एंड गाइज फिर उसके बाद में आप अपना एक्सपीरियंस बताएं इस गेम के बारे में कि आपको कैसा लगा है ये गेम। और गाइज आपको लगता है कि इस वीडियो में मैंने जो बोला है वो ठीक बोला है तो आप इस वीडियो को ज़रूर से लाइक करें और इस वीडियो को शेयर भी करें, ताकि मैं चाहता हूँ ये वीडियो एंकोर कंपनी या फिर टेक्निकल गुरुजी के पास पहुँचनी चाहिए, ताकि उन्हें पता चलना चाहिए कि हाँ पब्लिक क्या चाहती है। गाइज अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें, ताकि हमारी कोई भी वीडियोस आए तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। आपके मन में और भी कोई डाउट है किसी अदर प्लेटफॉर्म को लेकर या फिर किसी अदर वीडियो को लेकर या फिर किसी अदर टॉपिक को लेकर, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हैं। तो फिलहाल गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।